आज की वीडियो में मैं Realme C3 को अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। Realme का ये फर्स्ट फ़ोन है जो स्टूडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ अपने चैनल में पहली बार। और इसकी जो प्राइस है जो मुझे पता चली है वो 21,000 रुपये है। और जहाँ तक मुझे पता है 21,000 में इट्स नॉट अ बैड फ़ोन। काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 6.5 इंच की इन्होंने एक फुल स्क्रीन दी है, 5000 मिलियन बैटरी दी है, और सबसे बड़ी बात जो इसका प्रोसेसर है वो G70 हीलियो प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग वेट के बगैर इसको खोलेंगे। और बॉक्स बाकी वैसे सिंपल है, IMEI नंबर्स ये होते हैं सारे। जैसे आप बॉक्स खोलते हैं तो आपको ग्रीटिंग मिलता है, वेलकम टू द रियलमी फैमिली। ये काफ़ी अच्छा जेस्चर है। और इसके अंदर आपको बॉक्स और इन्होंने आपको साथ में सिम इंजेक्शन का वो दे दिया, इसको निकाल के रखते थे यहाँ पे। साथ में इन्होंने फ़ोन दिया है, ये रेड कलर में फ़ोन है। फ़ोन तो थोड़ी देर बाद आएंगे। बॉक्स के बाकी कंटेंट्स को देखते हैं क्या क्या मिला आपको। इन्होंने USB दी है, ये USB-C नहीं है, ये नॉर्मल USB दी है साथ में। और अगर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का इन्होंने साथ में पावर ब्रिक दी हुई है। तो स्पीड इसकी चार्जिंग की तेज़ होगी मेरे हिसाब से, लेकिन देन अगेन हमें इसको रियल लाइफ में टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या इसमें मिलता नहीं मिलता। फ़ोन को भी ऑन करता हूँ। 6.5 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्क्रीन है, सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया इन्होंने, AI ट्रिपल कैमरा दिया हुआ इन्होंने बैक में, जो 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। फिंगरप्रिंट रीडर भी बैक में दी हुई है। अच्छा, बॉक्स में हेडफोन जैक्स नहीं दिए इन्होंने, बॉक्स में इन्होंने आपको हेडफोन्स नहीं दिए, लेकिन फ़ोन में हेडफोन जैक दिया हुआ है। इसका मतलब इन्होंने वही एक Y6S टाइप काम किया है जिसमें ये लोग हेडफोन्स नहीं इंक्लूड करें, लेकिन ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ है। चलो, 19,000 का फ़ोन है या 21,000 का फ़ोन है तो उसमें आपको समझ आती है कि नहीं मिलता, लेकिन अगर दे दें तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मेरा इशू है कुछ कंपनीज के साथ जो इन चीज़ों को नहीं प्रोवाइड करते। एक साइड पे पावर बटन दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे दिया हुआ है। हम सिम ट्रे को निकाल के चेक करते हैं कि इसमें सिंगल सिम, ड्यूल सिम या मेमोरी कार्ड की जगह क्या क्या दी हुई है। तो इसमें ड्यूल सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं अक्सर उनमें ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैं भी हॉट 8 इन्फिनिट से यूज़ कर रहा था, उसमें भी ऑप्शन था, Y7P में भी ऑप्शन था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब फ़ोन को हम ऑन करते हैं, मैं फ़ोन को सेटअप करके आप लोगों के पास बहुत जल्द वापस आता हूँ। तो फ़ोन मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसका सेटअप बड़ा आसान था। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि ये फ़ोन कैसा है। फुल ब्राइटनेस में इसको मैंने किया हुआ है। थोड़ा सा डिस्प्ले वाइज जो मुझे इसका बैड फैक्टर लगा है कि 100 डायरेक्ट सनलाइट ठीक है, कोई इतना वो ख़ास नहीं है। डिस्प्ले नज़र आ रहा है अभी, जब मेरे पीछे काफ़ी हैवी लाइट लगी हुई हैं, लेकिन उसके अंदर भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी है, जो मुझे रेड कलर में उन्होंने दिया है प्लास्टिक बैग के साथ, काफ़ी अच्छा है। टेक्सचर जो पीछे ऐड किया है वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, हम उसके पहले कैमरे की बात करते हैं। कैमरे में उन्होंने 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया हुआ है, जिसके साथ उन्होंने साथ में 2 और कैमरे दिए हुए हैं, और फ्रंट फेसिंग सिंगल कैमरा दिया इन्होंने वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इसी तरीके से जब हम बैक फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट रीडर भी काफ़ी तेज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ रिस्पांस था इसका। जब हम लोग फ्रंट कैमरा यूज़ करते देखते हैं फ्रंट जो उसका फेशियल अनलॉक सिस्टम कैसा है। और मैं कैमरे के पीछे हूँ, इसको हम लोग वापस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा करके, तो देख लेते हैं कि कैमरे का भी अनलॉक काफ़ी तेज़ हो गया है। जो बेसिक बजट फ़ोन्स होते हैं, ये आई गेस 21,000 का जो फ़ोन है, इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल प्रोसेसर वाइज भी इसमें G70 जो इन्होंने दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, प्लस इसमें इन्होंने 5000 मिलियम बैटरी दी है। तो ये जो 5000 मिलियम बैटरी है ये मोर देन अ डे मेरे हिसाब से, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो 2 दिन भी शायद निकाल लें, लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं तो दिन में तो आराम से आपका फ़ोन निकल जाएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स और आप यूट्यूब की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके हम लोग सेटिंग में जाके इसका वो बाकी चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। एक लास्ट बजट फ़ोन मैंने Huawei का चेक किया था जिसमें एंड्रॉयड 9 था, और Huawei के अपने जितने भी मसले थे, लेकिन जो Y6S था उसमें गूगल प्ले स्टोर था, तो उसमें जब एंड्रॉयड 9 दिया था तो थोड़ा सा एक डाउनग्रेडेड वर्जन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि Huawei हमेशा अच्छे फ़ोन देता है,
अच्छे सॉफ्टवेयर अपग्रेड देता है फौरन। लेकिन Realme की तरफ से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें साथ में Realme ने अपना UI 1.0 वर्जन दिया है Realme का, अपना लास्ट टाइम ये ओप्पो के वर्जन यूज़ करते थे। और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें 3 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है। स्टोरेज वाइज मुझे थोड़ा सा ये डाउनग्रेड लगा है, क्योंकि एक और फ़ोन है जो कि 19,000 में आपको मिल जाएगा, इन्फिनिक्स का हॉट 8, जो कि 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ आता है। और ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि वो भी ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ है, वो भी बेसिक फ़ोन है, उसको तो मैं काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहा हूँ, जिसका एक रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। तो ओवरऑल जो मैं फ़ोन के बारे में कह सकता हूँ, फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हेडफोन जैक दिया हुआ है, हेडफोन देते तो और अच्छा होता। और इसकी हम लोग ना एक प्लेबैक वीडियो भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कैसा चलता है। इसकी वॉल्यूम मैंने फुल नहीं की थी, फुल भी गुंजाइश थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छा था। तो इसका क्या मेरा फुल एक्सपीरियंस होता है, ये मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन जो ओवरऑल मुझे इसका एक्सपीरियंस लगा है वो काफ़ी अच्छा है। अब आप लोगों से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे आगे वीडियो देख लें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अभी रिसेंट गिव अवे भी किया है। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर भरेंगे, मैं एक और इंशाल्लाह गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ। अब वो डिफरेंट चीज़ का गिव अवे होगा, वो मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकता, तो स्टे ट्यून्ड रहें और जल्द एक गिव अवे का भी अनाउंस होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।